नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके चैनल गणित एन जी एस में। दोस्तों हम लोग कक्षा 8 की गणित लगा रहे हैं, एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.4। हम दोस्तों छठे प्रश्न तक कर चुके हैं, आइए उसके आगे का लगाते हैं आठवां प्रश्न, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए, हसन जो है लड़का स्कूल वर्दी बनाने के लिए दो प्रकार का कपड़ा खरीदता है। उसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर है जो शर्ट लेता है, पतलून जो पैंट लेता है उसके कपड़े का भाव है 90 रुपये प्रति मीटर। ठीक है दोस्तों, वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का और 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। ठीक है दोस्तों, कमीज कमीज के लिए दोस्तों 3 मीटर खरीदता है, तो पतलून के लिए, पतलून यानी पैंट के लिए दोस्तों 2 मीटर खरीदता है। ठीक है, वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर इतना रुपए कमाता है। कितना कपड़ा खरीदा यह हमें नहीं पता है, मगर जो कमीज पे है दोस्तों वो 12% लाभ कमाता है कमीज पे, और 10% लाभ कमाता है पतलून पे। और लाभ कमा के दोस्तों इतने रुपए में लाभ पर बेच 10% लाभ पर बेचकर इतना रुपए मिलता है, इसको टोटल दोस्तों इतना मिलता है। उसने पतलूनों को कितने रुपए के का कितना कपड़ा खरीदा ये पूछ रहा है दोस्तों। तो हम मान लेते हैं दोस्तों, आप जान ही रहे हैं इसका रेशियो हमें दे रखा है पतलून और कमीज और पतलून का 3/2। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको एक्स से गुणा कर देते हैं, एक्स से गुणा कर देते, तो कमीज हमारा आ जाएगा, कमीज हमारा आ गया है 3x और पतलून आ गया है 2x मीटर, इतना इतना मीटर खरीदा ये हम मान रहे हैं, ये रेशियो दिया ही है हमने, एक्स से गुणा कर दिया है उसको, तो हमें कमीज और पतलून का पता चल गया। अब दोस्तों देखिए, आप दोस्तों जो बेचता है ये कमीज का जो भाव है 50 रुपये प्रति मीटर है, ठीक है ना दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 50 रुपये, 50 × 3x है ना, गुड़े दोस्तों 12% का लाभ कमाता है। 12% का लाभ का क्या मतलब है? 1.12, 1.12, 1 एक तो हो गया इसका जो कीमत है, और 0.12 रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों कि 12% लाभ पे कमा। यही अगर 12% हानि होती तो किससे गुणा करते हैं हम? 0.88 से गुणा करते हैं, यानी 1 रुपये का तो उसकी कीमत थी, हम 12% हानि पे यानी 88 पैसे पे ही बेच रहे हैं। समझ रहे हैं आप दोस्तों, ये 0.12 इसलिए किया क्योंकि 12% लाभ है। और दोस्तों दूसरा कपड़ा खरीदा है 90 × 2x, 2x हमारा पतलून है, और इसको कितने रुपए लाभ पे बेचता है? 1.10, 10% लाभ है ना दोस्तों, है ना, और ये दोनों जोड़ करके कितना आ जाता है? 36,600। अब दोस्तों आपको इसको सॉल्व करना, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको डिफरेंट जो है एग्जाम आपके स्कूल से लेकर प्रतियोगी परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम सब में ही पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आइए देखते हैं, गुणा करते हैं दोस्तों, 1.1 50 का 3 से होगा दोस्तों 150 हो जाएगा, 150x गुणे 1.12 प्लस ये 90 × 180x गुणे 1.1 बराबर 36,600। ठीक है दोस्तों, ठीक है 36,600, ठीक है। अब अंदर गुणा करते हैं दोस्तों कितना आ जाता है, 100 मान लीजिए 1.12 है ना, उसका 15 से गुणा कर रहे हैं, ये 0.10 पहले ये किधर शिफ्ट कर देते हैं जो जीरो था उसके जगह, 15 × 30 के 0, 3 हासिल लगा, 15 × 15 3, 18 के 3, 1 हासिल लगा, 15 × 15 116, और 1.10 और लगेगा, 168x दोस्तों आ गया, ये आ गया 168x कमीज का, और शर्ट का कितना एक्स आएगा? 11 से गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 0 से ये 11, ये 1.11 बन गया, 0 हटा दिया हमने, 11 × 8, 88 के 8, 8 हासिल लगा, 11 × 11, 11 × 8, 19, ये दोस्तों जोड़ लीजिए, आप दोनों जोड़ लीजिए, एक्स कितना आ गया? 8, 8, 16 के 6, 1 हासिल लगा, 9, 6, 1, 7, 7, 9, 16 के 6, 1 हासिल लगा, 2, 1, 3 366x बराबर 366। दोस्तों आप देख रहे हैं कैसे कट रहा है, देख रहे हैं दोस्तों आप, पूरा पूरा 366 कट रहा है, 100 बचा, x हमारा 100 बचा,
एक्स हमारा 100 बचा, 100 आ गया, तो कमीज कितनी हो जाएगी, 3 गुणे x, कमीज दोस्तों कितनी हो जाएगी 300 मीटर, और पतलून हो जाएगी 2 गुणे x 200 मीटर। इतना खरीदा था कपड़ा किसने, हसन ने, हसन ने, हाँ दोस्तों हसन ने। तो उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, पतलून के लिए दोस्तों 200 मीटर, पतलून के लिए हमने निकाला 200 मीटर, फिर पतलून का ही पूछा इसने, शर्ट का पूछा होता तो 300 मीटर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रश्न में अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।